नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के श्रीवास्तव और आपका आपके चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, इस समय देश में काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जो कि एक कानून है SC ST एक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर के। तो इस पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने इसलिए बना दिया कि इसमें कुछ तार्किक चीज़ें हैं और कुछ नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो GS में या GK के एग्ज़ाम जो आगामी एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है। पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी इस पूरे वीडियो में, जो कुछ ना कुछ तो एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे आगामी एग्ज़ामों में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला है कि मैं टॉपिक वाइज मैंने इसको बनाया है कि कैसे कैसे क्या आसान शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों में मैंने दो दो पैराग्राफ में मैंने समझा दिया है। तो काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि SC ST एक्ट क्या है, ठीक है? तो आइए इसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के मकसद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में यह अधिनियम बनाया गया था, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कब यह अधिनियम बनाया गया था। 1989 में यह अधिनियम बनाया गया था। यह कानून जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है। यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लागू होता है। इसके अनुसार इस समाज के लोगों को समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार इस समाज के लोगों को समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए। इन पर होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि यह अपनी बात खुलकर रख सकें। यह पुराने अधिनियम की बात हो रही है 89 की, ठीक है? अब आगे क्या है, आखिर क्यों बना SC ST एक्ट, ठीक है? तो क्या है क्या दोस्तों कि 1955 के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये दोस्तों ये चीज़ें हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आ जाएंगे एग्ज़ाम में। पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो 1955 के प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के बावजूद सालों तक ना तो छुआछूत का अंत हुआ और ना ही दलितों पर अत्याचार रुका। देश की चौथाई आबादी इस समुदाय से बनती है और आज़ादी के 30 वर्षों तक इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसलिए इस समुदाय पर अन्य समुदायों द्वारा होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं आखिर क्या है इस एक्ट के प्रावधान। तो SC ST एक्ट 1989 में यह व्यवस्था की गई कि अत्याचार से पीड़ित, जो मतलब किसी भी अत्याचार से पीड़ित हों, सवर्णों द्वारा अत्याचार से पीड़ित हों, समाज से किसी भी प्रकार से अत्याचार से जो पीड़ित लोग हों, लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और कानूनी मदद दी जाए जिससे उन्हें न्याय मिले। कानून के अनुसार इस मामले की जांच और सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाहों की यात्रा, मतलब आने जाने में जो भी यात्रा का जो खर्चा होगा और ज़रूरतों पर खर्च, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी उनका पूरा खर्च सरकार की तरफ से उठाया जाएगा, ठीक है? अदालती प्रक्रिया शुरू करने और उस पर निगरानी करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया था कि जो मॉनिटरिंग करेगा कि मान लीजिए कोई भी इसके खिलाफ, मतलब अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ कोई भी मान लीजिए कोई केस दर्ज करवाता है तो उसका, मान लीजिए उसने दर्ज करवाया तो सामने वाला बंदा वो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ शोषण और करेगा, तो उसके लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था कि जो इन चीज़ों की निगरानी करे कि उनका दोबारा कोई शोषण तो नहीं हो रहा है। और इन उपायों को अमल के लिए राज्य सरकारें जैसा उचित समझें कार्रवाई करें। राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई कि जैसा वो उचित समझें इस मामले में वैसी कार्रवाई करें। उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और इसकी निगरानी करें, मतलब इसकी मॉनिटरिंग भी करें कि क्या स्थिति चल रही है, उनके खिलाफ अभी अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है? उसकी निगरानी करें जिससे कि इस एक्ट का सही से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है?
ठीक है, सरकारें उन क्षेत्रों का भी पता लगाएं, यह भी कानून में लिखा गया कि सरकारें उन क्षेत्रों का भी पता लगाएं जहां पर एससी एसटी पर अत्याचार हो रहे हैं, मतलब जिन पर अत्याचार वर्तमान समय में हो रहा है, जिनके ऊपर केस उस वगैरह हो रहा है, मतलब जहाँ पे उनका शोषण हो रहा है, उसको तो सरकारें देखें ही देखें, उन क्षेत्रों का भी पता लगाएं जहाँ पर, जहाँ के लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, उन क्षेत्रों का भी पता लगाएं, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद क्या है, अगला चीज़ क्या है कि आखिर क्यों हो रहा है विरोध, अब विरोध क्यों हो रहा है वो चीज़ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद ही हो सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सक्षम, ऐसा नहीं कि सरकारी कर्मचारी को जब चाहो तब गिरफ्तार कर लो, उसके लिए एक सक्षम अथॉरिटी होगी जो संस्था के द्वारा बनाई जाएगी, जो होगी उसकी इजाज़त के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनकी गिरफ्तारी जांच के बाद एसएसपी लेवल का अधिकारी इसकी इजाज़त देगा कि उसकी गिरफ्तारी हो कि ना हो, ठीक है। बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। पहले क्या था कि तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाता था, अभी क्या है मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि मुकदमा दर्ज तुरंत नहीं किया जाएगा, बस इसी आदेश का विरोध एससी एसटी जो समुदाय है उसके लोग कर रहे हैं कि ऐसा होने पर उन पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि तत्काल गिरफ्तारी ना होगी और पहले जांच होगी, जांच के बाद वो भी एसएसपी लेवल का अधिकारी उसकी जांच करेगा, जो सामान्य जो नॉर्मल आम पब्लिक है उसके लिए एसएसपी रैंक का अधिकारी उसकी पहले जांच करेगा, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए सक्षम अथॉरिटी जो भी होगी उस संस्था की वो इजाज़त देगी, तभी उसका गिरफ्तारी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब आगे क्या है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को एक फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके तहत शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के तहत स्वतः गिरफ्तारी और आपराधिक मामला दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी, ठीक है। मतलब तत्काल जो गिरफ्तारी होती थी उस पर रोक लगा दी और कोर्ट ने इसकी बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की। तो ये जो मामला था दोस्तों, ये 20 मार्च 2018 को ये फैसला आया था, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि एससी एसटी एक्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नया कानून बनाया, नया जो आदेश दिया, वो कब लागू हुआ, कब उसने दिया आदेश, 20 मार्च 2018 को दिया। अब आगे क्या है कि आखिर अब तक क्या थे नियम, ठीक है। तो इस कानून के अनुसार अभी तक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर तुरंत मामला दर्ज होता था। अभी तक क्या था कि जैसे ही आप जाति सूचक शब्द किसी भी प्रकार का, कोई भी दलित समुदाय के लोगों को, एससी एसटी एक्ट के कोई भी समुदाय के किसी भी लोगों को कोई जाति सूचक शब्द को लेकर के अगर आप बोलते हो तो उस पर तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा। इसके खिलाफ़ मामले की जाँच अधिकार जो इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी के पास भी था, ठीक है। केस दर्ज होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था कि मतलब जैसे ही केस दर्ज हुआ, मतलब उस बंद जो एससी एसटी समुदाय से जो भी व्यक्ति है वो जैसे ही केस दर्ज करवाएगा तो जिसके खिलाफ दर्ज करवाएगा उसकी तो तत्काल पहले गिरफ्तारी होगी। ऐसे मामले की सुनवाई केवल स्पेशल कोर्ट में ही होती थी, ठीक है, स्पेशल कोर्ट में होती थी। साथ ही अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती थी। यदि आप अग्रिम जमानत के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपकी जमानत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही जमानत दे सकता था इस केस में, ऐसा कानून में था। जो इसके पीछे पहले जो कानून था, पहला जो कानून था 1989 का, उसमें केवल हाई कोर्ट ही जमानत दे सकता था, ठीक है। अब क्या है आगे देखते हैं, आखिर क्या है नई गाइडलाइन। तो नई गाइडलाइन में क्या है, अब एससी एसटी के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी या कोई और शिकायत मिलने पर तुरंत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा नई गाइडलाइन है जो आई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ना ही तुरंत गिरफ्तारी होगी। डीएसपी लेवल के अधिकारी पहले मामले की जांच करेंगे,
इसमें यह देखा जाएगा कि कोई मामला बनता है या फिर झूठा आरोप है। मामला सही पाए जाने पर ही मुकदमा दर्ज होगा और आरोपी की गिरफ्तारी होगी। जब तक मामला सत सही, जो डीएसपी लेवल का अधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट जब तक नहीं लगा देगा कि मामला सही है, तब तक मतलब कोई भी केस दर्ज नहीं होगा और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ठीक है, जात सूचक शब्द का इस्तेमाल करने वाले आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ाने से पहले, मतलब जो भी मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए जात सूचक शब्द का इस्तेमाल भी कर देता है तो भी उस आरोपी की मान लीजिए 5 दिन की हिरासत में था रखा गया, तो उसकी जो हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए पहले मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के कारणों की समीक्षा करनी होगी, तब उसकी हिरासत की अवधि बढ़ेगी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद ही हो सकती है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ऐसे मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर कर सकते हैं। पिछले वाले में क्या था कि अग्रिम जमानत की याचिका हम नहीं दायर कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्या था हो गया था कि हम अग्रिम जमानत की याचिका हम दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं आखिर क्या है सरकार का रुख। तो इस पर सरकार का रुख क्या था हम वो भी देख लेते हैं। जो कंक्लूजन है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर किया था। सरकार तुरंत गिरफ्तारी और मामला दर्ज किए जाने पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती दी थी सरकार ने, कि मतलब ये जो पहले क्या था कि मतलब तत्काल गिरफ्तारी और जो है मामला दर्ज पहले हो जाता था, लेकिन अब क्या था कि जब अधिकारी जांच कर लेगा तभी मामला दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। तो ये जो रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में ही केंद्र सरकार ने। लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में नया कानून बनाकर पलट दिया है। ठीक है, मतलब उसके कानून को ख़त्म कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था, जो कि इसी मानसून सत्र में पास किया गया है। संशोधित कानून के अनुसार फिर से वही स्थिति बहाल हो गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले थी। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा ट्यूटोरियल दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा SC ST एक्ट का मामला आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा सा और एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।